नमस्कार, मैं विकास। पर आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे। आप फोन पे यूज़ करते हैं और उसमें आपको एक से अधिक बैंक अकाउंट है, तो आपका पैसा कहीं पे आप पेमेंट करेंगे तो कौन से बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा, ठीक है? और पैसा अगर आपके पास कोई भेजता है तो आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप कैसे चेक करेंगे, और चाहें तो आप उसे बदल भी सकते हैं, ठीक है? तो सारा कुछ डिटेल्स हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सारा डाउट क्लियर हो सके, और आपको भी कभी इस तरीके का कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो, तो आपको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा बैंक में आपको पैसा आएगा और कौन से बैंक से आपका पैसा जाएगा, ठीक है? और उसे बदलना है तो आप कैसे बदलोगे, सारा कुछ हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले करेंगे छोटा सा रिक्वेस्ट, कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल रंग के बटन दबाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबाइए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और कौन सा जाएगा, ठीक है? वो प्राइमरी अकाउंट जो होगा उसी से होगा। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे अपना प्रोफाइल पे ऊपर में क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट्स पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है। इसी बैंक अकाउंट से हम कहीं भी पैसा भेजेंगे तो इसी में हमारा पैसा पैसा इसी बैंक अकाउंट से कटेगा। हालांकि पेमेंट करने समय हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और पैसा कोई भेजेगा हमारा नंबर पर तो हमारा इसी बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है उसी में पैसा आएगा। आप चाहते हो इसको बदलने के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पेटीएम में हम पैसा लेना चाहते हैं, उसी से हमारा प्राइमरी अकाउंट हम इसी को बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेट एज प्राइमरी पे आप क्लिक कीजिए, कंफर्म कीजिए, और हमारा ये प्राइमरी अकाउंट हमारा पेटीएम आ गया सबसे ऊपर में। अब इसी बैंक अकाउंट से हमारा पैसा कटेगा कहीं पे भेजेंगे तो, ठीक है, और कोई नंबर पे हमारा पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो हमारा इसी पेटीएम में पैसा आ जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट्स में, ठीक है? यूनियन में भी हम प्राइमरी बना देना चाहते हैं। और चलिए बात करते हैं कि हम भेजने प्राइमरी अकाउंट है तो हम भेजने समय भी हम लोग वहाँ पे भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक अकाउंट को, उसे कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो मान लीजिए कि हम किसी मोबाइल नंबर पे हम भेज रहे हैं, इसी नंबर मोबाइल नंबर के थ्रू हम पैसा भेज रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 रुपया भेजा है, तो हालाँकि UPI लेट है तो ये वॉलेट दिखा दिया हमारा। अब यहाँ पर क्लिक करके भी आप अपना जिससे भी बैंक अकाउंट से भेजना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हम भेजना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और पे पर क्लिक करेंगे, UPI डालेंगे, अपना पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से आप जान गए कि आपको कौन से बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कौन से बैंक अकाउंट से पैसा आपका जाएगा, ठीक है? तो प्राइमरी अकाउंट से में ही आपका पैसा डेबिट होगा ऑप्शन फर्स्ट में, और क्रेडिट भी होगा आपका प्राइमरी अकाउंट्स में ही। आप हालांकि पैसा भेजने समय आप इसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का अपडेट आपको आगे मिलता रहे। मिलेंगे जानकारी के साथ आपका दिन।